हेलो फ्रेंड्स, ऑन इकोनॉमिक्स इजी आज अपन देखेंगे कि चेंज इन डिमांड और इक्विलिब्रियम प्राइस के कुछ एक्सेप्शनल केसेस। इससे पिछले वाला वीडियोस प्लीज जरूर देख लीजिएगा, वरना ये एक्सेप्शनल केसेस क्या है वो समझ में नहीं आ पाएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप जैसे ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे माइक्रो और स्टैट्स के सारे वीडियोज सीक्वेंस मिल जाएंगे, जो बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के होते हैं और जिनमें मैं बीच ये भी बताती हूँ कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में आने के चांसेस हाई होती है। राइट, अब देखते हैं चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस के कुछ एक्सेप्शनल केसेस। राइट, देखिए चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस में दो आते हैं एक्सेप्शन केसेस। फर्स्ट देखिए, व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटीज कंटिन्यूस परफेक्टली इलास्टिक, जब कमोडिटी की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। पिछले वाले वीडियोस माइक्रो के वो जरूर देख लेना, क्योंकि इलास्टिक परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई परफेक्ट इलास्टिक डिमांड उसी के बेसिस पे है। राइट, सेकेंड देखिए, व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी परफेक्टली इलास्टिक, मतलब चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस में दो आते हैं बेसिकली, व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी परफेक्ट इलास्टिक और व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी परफेक्टली इलास्टिक। पहले अपन सप्लाई ऑफ कमोडिटी परफेक्टली इलास्टिक के देखेंगे। देखिए, व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, इसमें दो चीज आती है, डिमांड इंक्रीज भी हो सकती है और डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पे ओपी ओरिजिनल प्राइस है, ओके ओरिजिनल क्वांटिटी है, डी ओरिजिनल डिमांड कब है और एस है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है कि प्राइस उतनी ही रहेगी, चाहे सप्लाई कितनी हो, कम सप्लाई हो ज्यादा सप्लाई हो, प्राइस उतनी ही रहने वाली है। राइट, अब देखते हैं, सबसे पहले अपन इंक्रीज इन डिमांड हुई है, अपना डिमांड कब शिफ्ट होगा इसमें ध्यान रखना, सप्लाई कब कांस्टेंट है क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। राइट, डिमांड इंक्रीज हुई है तो समवेयर इट विल बी लाइक दिस, इंक्रीज होने पर राइट में शिफ्ट होता है, पिछले वाले वीडियो अपन ने मैं सी दिया है इसमें। तो देखिए, डिमांड कब नया डिमांड कब यहाँ पे आ गया। ओके, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है ई, न्यू इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा जहाँ डिमांड और सप्लाई क्रॉस करेंगे, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, न्यू इक्विलिब्रियम आ गया अपना ई वन। अब ध्यान से देखना, न्यू इक्विलिब्रियम अपना ई वन आ गया, ओरिजिनल प्राइस जो है वही वाली न्यू प्राइस है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस अभी भी ओपी रहेगी। देखिए, इक्विलिब्रियम प्राइस अभी भी ओपी रहेगी, पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज होकर आ जाएगी क्यू वन, यहाँ पहले क्यू थी अब क्यू वन आ गया। राइट, अब देखिए इसमें डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस है ओपी, ओरिजिनल क्वांटिटी है ओ क्यू, ठीक है, वाई एक्सिस में प्राइस है, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है। ये डी ओरिजिनल डिमांड कब है, ई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल रहा है और सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक है जो अपन ने देखा। अब देखिए, डिमांड डिक्रीज हुई है, डिमांड डिक्रीज हुई है तो कहाँ पे शिफ्ट होगा डिमांड का, लेफ्ट में, तो इधर मैंने शिफ्ट कर दिया, इधर लेफ्ट में डिमांड का शिफ्ट कर दिया, ये आ गया न्यू डिमांड का डी वन, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया अपना ई टू, क्योंकि ई वन अपन ने वहाँ ले लिया। ओके, ये अपने थ्री मार्क्स में आ सकते हैं, थ्री या फोर मार्क्स में, इसको पूरे को एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी आई, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी आई, ओपी अपनी प्राइस है, अभी भी ओपी रहेगी, क्योंकि देखिए ये दोनों जहाँ क्रॉस कर रहे हैं प्राइस अभी भी उतनी ही है। न्यू क्वांटिटी कितनी आ गई, न्यू क्वांटिटी आ गई क्यू टू। एक बात ध्यान रखना, इंक्रीज इन डिमांड में अपनी प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगी पर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, ओ क्यू से ओ क्यू वन होगी ना, और डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस उतनी ही रहेगी पर क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, ओ क्यू से हटके ओ क्यू टू आ गई। राइट, इसमें एक चीज और देखिएगा, अपने एक पॉइंट और आता है इसमें, एक टॉपिक और है कि जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है तो डिमांड का जब भी शिफ्ट होगा, मतलब डिमांड का जब भी शिफ्ट होगा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में, तब प्राइस में चेंज क्यों नहीं आता, ये वन मार्क में भी पूछ सकते हैं। आप एक बार देखिए, जब भी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई इन्फिनिट है उस करस्पॉन्डिंग प्राइस पे। ये देखिए, सप्लाई इन्फिनिट है, जब कितना ही कमोडिटी खरीदो प्राइस तो उतनी रहनी है इस करस्पॉन्डिंग प्राइस पे। इस सिचुएशन में एक्सेस डिमांड नहीं है और इसी की वजह से प्राइस कॉन्स्टेंट है। इससे पहले वाले जो नॉर्मल केसेस है उसमें एक्सेस डिमांड आ जाती थी, राइट, इसमें नहीं है जब भी इंक्रीज इन डिमांड हुआ। ओके, अब देखिए डिक्रीज इन डिमांड में प्राइस क्यों कॉन्स्टेंट है, डिक्रीज इन डिमांड में देखिए, जब भी डिमांड डिक्रीज होगी मतलब कि लेफ्ट में शिफ्ट होगी, ये देखिए ओरिजिनल डिमांड का अपना डी है ना, लेफ्ट में शिफ्ट हुई मतलब न्यू डिमांड का अपना क्या है डी टू, जब भी लेफ्ट में शिफ्ट होगी तो अपनी प्राइस जरा सी भी कम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि प्राइस जरा सी भी अगर कम हुई परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कम है तो सप्लाई जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, प्राइस वेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है तब क्या होता है, सप्लाई कॉन्स्टेंट रहती है, सप्लाई फिक्स रहती है, और जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इफेक्ट किस पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे आएगा, क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अभी अपन देखते हैं। राइट, अब देखते हैं, सबसे पहले देखिए इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, ओपी ओरिजिनल प्राइस है, ओक्यू ओरिजिनल क्वांटिटी है, डी डिमांड का अपना ओरिजिनल, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एस परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का, पिछले वाले वीडियो में देखो बस स्ट्रेट लाइन होती है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का। राइट, अब डिमांड इंक्रीज हुई है तो डिमांड कब कहाँ जाएगा, राइट में, तो मैंने इसको राइट में शिफ्ट कर दिया, ये इधर आ गया राइट में। ओके, अब मेरा न्यू डिमांड कब आ गया डी वन, मेरा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया ई वन। अब देखिए न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी होगी, न्यू प्राइस अपनी कितनी होगी, इसको यहाँ से हटा देते हैं, एक बार थोड़ा ज्यादा हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस मेरी कितनी होगी पी वन, और क्वांटिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी सेम है, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगी जब भी इंक्रीज इन डिमांड होगा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कम है। राइट, अब देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कम है, जब भी डिमांड डिक्रीज होगी तब क्या होगा, ओपी ओरिजिनल प्राइस है, ओपी ओरिजिनल क्वांटिटी है, डी ओरिजिनल डिमांड कब है,
ये अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है एस परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई का, वही सारी चीज है ठीक है। डिमांड डिक्रीज हुई मतलब कहाँ हुई, लेफ्ट में शिफ्ट हुई, तो इधर अपनी लेफ्ट में शिफ्ट हो गई, इधर आ जाएगी, ये अपना आ गया डी टू। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आ गया, जहाँ ये अपना ये दोनों क्रॉस करे, तो अपने ये दोनों क्रॉस कहाँ पे करे, यहाँ पे क्रॉस करे, सप्लाई का भी है ना, सप्लाई का और डिमांड क्रॉस करे, तो अपना न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया ई टू, और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस के जस्ट अपोजिट में ये आ गई पी टू। अब वापस देखिए, डिक्रीज इन डिमांड हुई है, प्राइस डिक्रीज हुई है, डिक्रीज इन डिमांड हुई, क्वांटिटी उतनी ही रहने वाली है। लास्ट टॉपिक और देख लीजिए फ्रेंड्स, व्हाई क्वांटिटी रिमेंस अनअफेक्टेड व्हेन सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनलास्टिक एंड डिमांड कर्व शिफ्ट। मतलब जब भी डिमांड कर्व शिफ्ट होगा परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई कर्व में, तब क्वांटिटी अनअफेक्टेड क्यों रहती है, या ये कहे क्वांटिटी फिक्स क्यों रहती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई कर्व होगा तब सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, चाहे प्राइस कितनी हो, चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, सप्लाई कॉन्स्टेंट ही रहने वाली है, सप्लाई फिक्स ही रहने वाली है। देखिए अपन जैसे जब भी डिमांड इंक्रीज होगी, देखिए जब भी डिमांड इंक्रीज होगी मतलब राइट में शिफ्ट होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, सप्लाई अभी भी कांस्टेंट है। डिमांड इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज होगी, सप्लाई अभी भी कांस्टेंट है। और जब भी डिमांड डिक्रीज होगी मतलब लेफ्ट में शिफ्ट होगी, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, पर डिमांड अपनी भी सॉरी सप्लाई अभी भी कांस्टेंट है राइट।